हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, यहाँ पर अभी 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 मतलब कि रात नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर लाइट कटी थी। मतलब सीढ़ियों में उतना रोशनी नहीं है, जिस टाइम ये आया था उस टाइम लाइट कटी थी। और यहाँ पर जिसके यहाँ पर है ना इन्वर्टर, उसका फिर वहाँ पर रोशनी भी आ रहा था। तो ये एक हमने कुछ मंगवाया है जो कि अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। तो हमने ये नए घर के लिए स्पेशल मंगवाया है। और जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हम सब ये रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो वैसे तो ये दिन में ही कॉल किए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में, तो उन्हीं के मोबाइल में आता है फोन। वो जब भी कुछ आता है ना, तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में फ़ोन वगैरह आता है। तो फिर ये इन्होंने कहा था कि हम शाम को घर जाएंगे, तो आप शाम को ही ला दीजिएगा घर, हमारे घर पे डिलीवर कर दीजिएगा। तो बस अभी आए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर वो आ गए थे मतलब कि लाने के लिए, कुरियर वाले भैया। तो फिर ये लेकर आए हैं, और अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए कि इसमें क्या निकलता है। और काफ़ी अच्छा लगा, हमें बहुत पसंद आया था। तो अब पहले तो शुरू शुरू हम देखने के लिए एक्साइटेड थे कि कैसा निकलेगा, क्या होगा, मतलब किसी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। और ये ज़्यादा भारी नहीं है, तो मैं भी कुछ काम कर रही थी, और यहाँ उसको मैं अभी अभी सुलह कर आई हूँ बाहर। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये एक ब्राउन और क्रीम कलर मिक्स है, ये कलर का है। और आप सभी को मैं बता देती हूँ, ये एक छोटा सा सोफ़ा कम बेड है, जो कि ये फोम का है। मतलब कि फोम जो होता है, फोम का है ये, और सोफ़ा कम बेड है। तो बहुत छोटा सा है ये, और काफ़ी अच्छा लगा। अभी आपको वैसे पता नहीं चल रहा होगा कि ये कैसे है कैसा नहीं, तो ये देखिए, हम लोग भी ये फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। अब ये ना आ गया तो बहुत पहले, एक दो दिन पहले, लेकिन ना हमारे यहाँ पे डिलीवर मेरे हस्बैंड ही नहीं रहते थे घर पे जिस टाइम वो आते थे इस साइड की ओर, तो फिर ये आज ला दिए हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ना ये फोल्ड हो जाता है, और ये फिर सोफ़ा हो जाता है बैठने के लिए, और फिर ये सोने के लिए भी हो जाएगा। तो ये स्पेशली आदित्य के लिए है। जैसे कि ये वाला रूम आप जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब कि इनका भी एक पर्सनल रूम हो गया, दोनों बच्चों का एक ही रूम। तो आदित्य ऐसे कहते कि हम दोनों का अलग अलग सेपरेट बेड भी होना चाहिए। तो फिर बहुत अच्छा ये आइडिया है, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप इसे फोल्ड करके और इसे सोफ़ा बना लीजिए, बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, मैं इसे छू के देख रही हूँ, थोड़ा टच करके देख रही हूँ कि कैसा है कैसा नहीं, और उसके बाद इसे हम अगर फोल्ड कर देंगे तो हो जाएगा, तो जगह स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा। और यही है ना कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए, अब फोम का है तो लकड़ी का रहता तो वो चल जाता है ज़िंदगी भर भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मजबूत लकड़ी की बनवाते हैं तो ज़िंदगी भर भी चली जाती है। लेकिन ये एक, ये देखिए, आशी कह रही है कि ये मेरा है, आदित्य कह रहा है ये मेरा है, मतलब कि जिस, ये कह रहे थे कि जिसका कब्जा हो जाएगा वो उसका हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर देखिए, हम अभी बैठ के मैं भी देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा नरम है या सख्त है, ये मैं देख रही थी। और इसके साथ ही मुझे दो कुशन मिले हैं, तो ये दो कुशन है और ये सोफ़ा कम बेड हो गया है। जैसे कि एक बच्चे के लिए या फिर बड़े के लिए, दो लंबा देखिए कितना हो जा रहा है, वैसे ये 6 फीट लंबाई है इसकी, और इसकी चौड़ाई 3 फीट है, वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने नापा नहीं था इस टाइम तक, लेकिन यही वहाँ पे शो हुआ था। और इसके साथ ये, इसमें ना कलर बहुत सारे थे, इसमें कलर थे रेड था, ब्लू था, और बहुत सारे कलर थे, ऑरेंज था, लेकिन ये वाला कलर थोड़ा सा मुझे इस वजह से भी अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा लाइट कलर था, और इसमें मतलब कि मुझे सही लगा, और मेरे हस्बैंड इसमें बैठ के देख रहे थे। अभी यहाँ पर देखिए, मैं रात का खाना बना रही हूँ, बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, भुजिया और आलू।
सब्जी है और थोड़ा सा दिन का भी खाना बचा हुआ था, तो इसी वजह से मेरा कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी यहाँ पर ना बस ये भुजिया मैं कट कर लेती हूँ, आलू और प्याज की भुजिया बनाऊँगी और बहुत जल्दी बन जाती है ये। और उसके साथ मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी और दिन का खाना बचा हुआ, जैसे कि थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, दाल बची हुई है, तो उसके साथ ना हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों का फेवरेट है ये आलू का भुजिया, तो बच्चे तो आलू के भुजिया के साथ रोटी ही खाएंगे, सब्जी दाल बचा हुआ जो है गरम करके हम लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पे खाना बन गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर ना मैं आप सभी को कुछ दिखाने जा रही हूँ। मैंने ना यहाँ पर देखिए दो साड़ी मैंने लिया है, ये रेगुलर यूज के लिए मैंने लिया है, जैसे कि डेली यूज के लिए हल्की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती है। और ये दोनों साड़ी ना मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। तो पहली साड़ी देखिए ये वाली है, ये ब्लैक और ग्रे कलर की है। और अगर इसकी फैब्रिक की बात करूँ ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, रेगुलर यूज में मतलब कि ऐसी ही साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि अभी मैंने पहन रखी है। बहुत सिफोन कपड़े की, एकदम सॉफ्ट होता है, नहीं ये सिफोन कपड़ा का एकदम सॉफ्ट लगता है। तो ये देखिए ये वैसा ही कपड़ा है। और ये देखिए ये ना चारों तरफ आपको इस तरह से देखिए ये वाला लेस मिल जाता है, ये देखिए ऐसा लेस मिल जाता है। और बहुत ही ये ना ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं, ब्लैक और इधर देखिए ये ग्रे कलर आ जाता है। बहुत सेडेड साड़ी है ये देखिए, मुझे बहुत खूबसूरत लगा और डेली यूज के लिए ही मैंने ये लिया है। और ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसमें ना बस ये देखिए इस तरह का लेस वर्क हुआ है और ये इस तरह का मोती वर्क यहाँ पे देखिए पीछे फिक्स किया गया है। मुझे तो ये साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लगी, बहुत ही ज्यादा, ये देखिए। और ये है इसका ब्लाउज का फैब्रिक है, इसमें भी लेस मिल जाता है और आपको ब्लाउज का फैब्रिक ब्लैक कलर का मिलता है, ये देखिए। तो मुझे तो बहुत सुंदर ये साड़ी लगा और ये देखिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका कपड़ा जब मैं इसे टच कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये देखिए इतना बहुत ही ज़्यादा, इस कपड़े की फैब्रिक ही मतलब कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये एक साड़ी है और ये ना मतलब कि बिल्कुल सिंपल साड़ी है, डेली यूज के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट साड़ी है। तो अभी ना मैं इसे आपको ये देखिए, और ऐसी जो साड़ियाँ होती है ना पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो अब मैं आपको ना ये सेकंड साड़ी दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए ये व्हाइट कलर का है और ये भी डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट साड़ी है। ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये है और इसमें भी कुछ इसी तरह से लेस टाइप का वर्क हुआ है। और देखिए डेली यूज के लिए ना ये साड़ी, यही सब सिफोन की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें ना प्रिंटेड साड़ी है ये देखिए, और इसका भी कपड़ा जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो इसमें मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद ये देखिए है ना फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्रिंटेड साड़ी है, फ्लावर प्रिंट हुआ है पूरे साड़ी में। और इसके साथ हम जो डिजाइन वाले ब्लाउज आप पहन सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा, ये सिंपल साड़ी का लुक ही बहुत ज्यादा डिजाइनर बना देगा अगर इसके साथ हम अच्छा सा एक ब्लाउज पहन लेते हैं तो। और उसके बाद देखिए इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये देखिए बिल्कुल एकदम ग्रीन कलर होता है, नहीं है अच्छा वाला, देखिए कितना इसमें चमक है, ये देखिए और इस तरह का लेस लगा हुआ है। और ये फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर इसके साथ बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब ये स्टिच होकर आएगा ना बहुत सुंदर लगेगा, और ये डेली यूज के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद ना मैंने ये लिया है, आप सब पूछोगे कि ये दोनों साड़ी मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये दोनों साड़ी देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप डेली यूज के लिए खरीदना चाहते हो ना ये साड़ियाँ, तो आप खरीद सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, अमेजोन से लिया है, तो आप अमेजोन से खरीद सकते हो। और इनका बाय लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगा, वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए उसके बाद मैंने लिया है ये बोरोलिन, ये 40 ग्राम का है, तो ये मुझे 70 रुपीज़ पड़ गया है। विंटर में ये बोरोलिन काफ़ी अच्छा
मतलब ये दवाई का काम करता है, बहुत अच्छा ये क्रीम है। ये देखिए फटे होठों के लिए, गाल भी देखिए कभी कभी हमारे बहुत ज्यादा फट जाते हैं, तो इसे इस बोरोलिन से ना एक जैसे कि अच्छे से फेस वॉश करके रात में आप इसे लगाएंगे ना, सुबह बहुत अच्छा चेहरा हो जाता है। मैं हर विंटर में एक ये वाला लगा मैं मंगवाती हूँ, तो फिर ये चल जाता है पूरा विंटर। उसके बाद देखिए ये मैंने ये फेसिस कनाडा का ये लिक्विड सिंदूर लिया है। ये देखिए ये फेसिस कनाडा का है, काफी अच्छा है। देखिए अभी मैंने यही वाला लगा रखा है। उसके बाद देखिए मैंने ये लिया है हिमालय का ये मसाज ऑयल है। ये एक और था वो अभी खत्म होने चला, तो फिर मैंने ये दूसरा लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को मैंने जो भी प्रोडक्ट दिखाया है ना, उन सभी के बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज पसंद आता है तो आप मेरे लिंक से खरीद भी सकते हैं।